अपने स्किन के साथ यूज करूंगी इज एन आइस रोल ऑन बिकॉज माई स्किन वॉज वेरी टायरी एंड जस्ट नाउ आई वोक अप सो आई विल बी जस्ट. तो कोई भी मेकअप करने से पहले इट इज़ वेरी गुड बिकॉज मेकअप सेट अच्छा होता है एंड एट द सेम टाइम स्किन भी बहुत अच्छा होता है. सो दिस इज माई फर्स्ट स्टेप बिफोर आई डू एनी मेकअप. एंड आज स्पेशली मैं शेयर करने वाली हूँ फेस रोल ऑन्स. दिस इज समथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजोन. तो मैं वॉइस ओवर डालूंगी. आई टेक माई ओन टाइम. आप सिर्फ मसाजेस पे ध्यान दीजिएगा दैट हाउ वी डू दिस मसाज. एंड दिस इज फॉर एंटी एजिंग फर्स्ट थिंग एंड ऑल्सो टू अपलिफ्ट योर स्किन. जिनकी थोड़ी बल्की है जैसे मेरी तो वो अपलिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. जो भी मोशंस है आपको 15-20 टाइम्स रिपीट करना है. 1, 2, 3, 4 इस तरह से. दिस शुड बी डन एवरी डे. एवरी डे अगर आप करते हैं ये चीज तो एंटी एजिंग एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती. सेकेंड पार्ट है मसाजर का विच इज लाइक 3 ऐसे है एंड इसको हमको इस तरह से कर लेना है. एंड ये जो सारे स्टेप्स है स्किन केयर के पहले करना है और स्किन केयर लगाने के बाद. मैं बाद में करती हूँ, पहले करती हूँ बिकॉज मेरा स्किन आजकल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जा रहा है. दैट इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन. एंड कुछ कुछ स्किन केयर्स है जैसे एट नाइट द फॉक्सटेल का ग्लो सीरम जो है वो थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी है तो उसके बाद अगर आप मसाज करते हो तो बहुत बहुत जल्दी आपके फेस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. दैट इज सम ऑफ द सीरम्स जिसके बाद मैं यूज़ करती हूँ. एंड आई एम लाइक डन. सो बेसिकली इसके दो ये आते हैं एंड बोथ आर कवर बाय दिस. एंटी एजिंग स्किन को फर्म रखने के लिए बहुत हेल्प करता है. अगेन दोनों पार्ट मैं वॉश करूंगी. वॉश करके स्टोर करके बैक इन फ्रिज. सो दैट इज माई बेसिक थिंग. नेक्स्ट फटाफट से मैं प्राइमर ले लूँगी. बट आज मैंने फेशियल किया है नॉट एट होम बट एट द पार्लर. तो मैं आज एज अ प्राइमर सोच रही थी सीरम लूँगी. ओके एज अ प्राइमर का मॉइस्चराइजर मैं आयुगा का प्रोडक्ट ले लूँगी. दिस इज अ प्रोडक्ट दैट आई यूज समटाइम्स एज अ मॉइस्चराइजर प्लस प्राइमर. दिस इज 5% चंदन लाइट फेस मॉइस्चराइजर. इसका अलग से रिव्यू मैंने दिया है बट आई लव दिस प्रोडक्ट. मैंने बहुत सारा यूज कर लिया है एंड आई विल जस्ट क्विकली यूज दिस एज अ प्राइमर. ऑब्वियसली आई रीजन के भी एंड आई एम लविंग दिस प्रोडक्ट सो डेफिनेटली इट विल गो फॉर रीपर्चेज. तो ये मैंने आयुगा के वेबसाइट से लिया था एट एन गुड ऑफर. तो ऑब्वियसली आपको ऑफर्स का ही वेट करना चाहिए बिकॉज और एल्स दिस प्रोडक्ट कॉस्ट अराउंड 599 विच इज आई डोंट थिंक वर्थ कि आप पूरा पैसे दे के खरीदो. सो कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्चराइजर्स कम यू कैन यूज एज अ बेस. नाउ मैं यूजली आई गो टू स्लीप विद अ पॉनीटेल विच यू शुड ऑलवेज बी डूइंग. तो मैं फटाफट अपना पॉनीटेल खोल लेती हूँ. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गेट रेडी फॉर ऑफिस. फॉर गेट रेडी फॉर ऑफिस भी मेरा सेम रूटीन रहता है एक्सेप्ट आई विल बी वेयरिंग द कुर्ता विच आई एम लाइक नॉट वेयरिंग नाउ. नाउ मीशो का भी हॉल आने वाला है. दिस इज अ प्रोडक्ट फ्रॉम मीशो. दिस इज अ वुडन कोम. लाइक बहुत लोग बोलते हो कि आप लोगों को हेयर फॉल की काफ़ी इशूज है एंड दैट इज बिकॉज यू आर यूजिंग द रॉन्ग कोम. आप लोग जो कोम यूज करते हो दैट इज अ प्लास्टिक कोम एंड प्लास्टिक कोम इज समथिंग दैट विच इज नॉट गुड इफ यू हैव अ हेयर फॉल. Remember that always. I think मुझे pregnancy से from my pregnancy which is last year I started using wooden comb. It is very nice guys. Hair fall का जो reduction का rate है ना वो आपको use करने के बाद से ही आपको पता चलेगा. It is so nice. Now ये get ready with me कम Meesho haul है because there are products that I got from Meesho and I wanted to actually speak about them. One being this beautiful comb combo. Now ये जो है ना combo this is from Meesho. Amazing product guys. Amazing quality. इसकी बहुत amazing है. And also the hair serum जो मैं घर पर बनाती हूँ फॉर माई हेयर्स. नाउ आप लोग सोचते होंगे कि मार्केट्स में इतने सारी सीरम्स हैं घर पे क्यों बनाएं. बिकॉज जो मार्केट में सीरम्स हैं उसके कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता होता है. वो लिखते तो हैं बट आई एम नॉट रियली श्योर कि उनमें से कितना सही होता है. सो द बेसिक थिंग्स जो है फर्स्ट मैं यूज़ करती हूँ अपने हेयर्स पे इज एन यूकेलिप्टस ऑयल फर्स्ट थिंग. सेकेंड रोज मेरी ऑयल.
थर्ड थिंग, अगर आपको फेनुग्रीक ऑयल है देन यू कैन डेफिनेटली यूज दैट. फेनुग्रीक नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हाँ आई थिंक आई एम जस्ट गोना शो यू. सो दिस इज यूकेलिप्टस ऑयल, रोजमेरी ऑयल, और एक जो अभी तक आया नहीं है दैट इज समथिंग विच इज येस फेनुग्रीक ऑयल. ये तीन जो एसेंशियल ऑयल्स हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हेयर फॉल को रोकने के लिए, बिकॉज दीज आर द एसेंशियल ऑयल्स विच एवरी स्कैल्प और एवरी हेयर वुड नीड एज अ फूड. ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है. नाउ दो कॉम्ब का कॉम्बो क्यों है, बिकॉज ये हेयर करने के लिए एंड दिस इज टू ब्रश. बहुत गुड क्वालिटी है यार, मज़ा आ गया. सो पहले जितने भी टैंगल्स हैं मैं उनको रिमूव कर लेती हूँ. मॉर्निंग से जब बैंक में जाना था, पार्लर जाना था, आई डिड नॉट गेट एनी टाइम. कैन यू सी द ग्रोथ ऑफ माई हेयर, इट हैज़ एक्चुअली इंक्रीज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. बहुत ज़्यादा अच्छा टचवुड ग्रोथ आ रहा है, बिकॉज वी डू टेक केयर ऑफ आर हेयर, तभी अच्छा ग्रोथ आएगा. ठीक है, सो चलिए फटाफट अब मैं गेट रेडी से पहले ऑब्वियसली मीशो हॉल कर रही हूँ. सो मीशो हॉल में फर्स्ट एसेंशियल ऑयल्स. नाउ मुझे नहीं, मैं हमेशा से पर्पल या फिर अमेजोन में ही एसेंशियल ऑयल्स देखती थी, बट आई थॉट दिस टाइम लेट मी ट्राई मीशो, बिकॉज मीशो से मैं बहुत सारे चीज़ें ऑर्डर करती हूँ, एंड आई थॉट वाई नॉट the essential oils. So first is this Gyan Organics Preserving Nature essential oil hai. This is what the packaging is. Bahut hi amazing sa packaging hai. Ye rosemary oil hai. Beautiful packaging. Bahut acha hai. And open karne se you get this. Actually ye dropper alag se aata hai aapko. And आपको वो ऊपर सील खोल के ड्रॉपर यू करना है. तो दिस इज व्हाट द क्वांटिटी मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है, बिकॉज मैं हेयर सीरम बनाती हूँ. तो हेयर सीरम भी मैं बात करूँगी कैसे बनाती हूँ फॉर गुड हेयर ग्रोथ. तो दिस इज द प्रोडक्ट. एक्चुअल प्राइस इसका है लाइक 500 समथिंग, बट आई गॉट रियली इनएक्सपेंसिव. इसका जो प्रोडक्ट कोड है मैं जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. द नेक्स्ट इज यूकेलिप्टस ऑयल. ये अभी तक मैंने ओपन ही नहीं किया, बिकॉज मेरा जो गुड वाइब्स है मैंने यूकेलिप्टस ऑयल परचेज किया था, दैट इज स्टिल देयर विद मी. तो मैंने पहले उसको कंप्लीट किया है. एंड दिस इज द अमेजिंग यूकेलिप्टस ऑयल. इसमें भी इस तरह से है एंड ड्रॉपर अलग है. सो इस तरह से आता है बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये एंड द ड्रॉपर. तो आपको ये रिमूव करना है. ठीक है, एंड ऑल्सो यू हैव गॉट वन दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट. मैं यूजुअली रिमूव करके ये वाला. सो दिस इज फ्रॉम रीगल एसेंस. दिस इज व्हाट इट इज. बहुत अफोर्डेबल पड़ा था मुझको. एंड लेट्स टॉक अबाउट द हेयर सीरम. नाउ दिस इज अ जार दैट आई गॉट फ्रॉम अमेज़न. इसमें मैं क्या मिक्स करती हूँ, फर्स्ट इज वाटर विच इज़ गुलाब जल. वो मैं लेती हूँ 3:3 के रेशियो में. देन आई टेक एनी सीरम. तो आई यूज बायोटिक का सीरम. बायोटिक का सीरम मैं ले लेती हूँ अगेन 3 के रेशियो में, 3:3. एंड जो बाकी मैं लेती हूँ वो ये लेती हूँ 1:1 में, रोजमेरी 1:1, यूकेलिप्टस ऑयल एंड फेनुग्रीक ऑयल. तो इसमें मैं ऑलरेडी रोजमेरी ऐड कर चुकी हूँ. रोजमेरी ऐड करते ही थोड़ा क्लाउडी सा बन जाएगा. नाउ क्यों हम लोग ऐड करते हैं यूकेलिप्टस, इट इज़ फॉर जो भी इचीनेस या फिर जो भी प्रॉब्लम है स्कैल्प की वो रिमूव करने के लिए. कुछ भी अगर फंगल कुछ भी एक्टिविटी है ऑन योर स्कैल्प, बेसिकली फॉर योर हेल्दी स्कैल्प हम लोग यूकेलिप्टस यूज करते हैं. इवन दोज हैविंग डैंड्रफ्स, ड्राई इची फ्लेक्स, वो लोग भी यूज़ करते हैं. तो इसका 1 proportion यूज़ करना है. मैं इसको फटाफट से ट्रांसफर कर देती हूँ. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल. अब इसको अच्छे से बंद करके शेक करके इस पर थोड़ा वाटर मिक्स करना चाहिए, बट आई थिंक ऑलरेडी दिस हैज वाटर. आई विल जस्ट मिक्स सम मोर वाटर एंड देन स्प्रे इट. मुझे थोड़ा स्कैल्प बहुत दिन हो गया, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था. थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड अप्लाई करेंगे एंड ये पूरा स्कैल्प अच्छे से करके यू हैव टू गिव अ मसाज. ना बहुत सारे हैं जो बोलते हैं सीरम्स को स्कैल्प में नहीं लगाना है, बट इसमें सीरम्स का प्रोपोर्शन भी 3% है. इसमें वाटर है एंड द एसेंशियल ऑयल्स. सो इसीलिए मैं इसको लगाती हूँ इवन एट योर स्कैल्प. तो पूरे बालों में जब आप फैला देंगे ऑटोमेटिकली द हेयर विल हैव अ गुड स्मेल. एसेंस आ जाता है बिकॉज ऑब्वियसली ऑल द एसेंशियल ऑयल्स है इसमें एंड एट द सेम टाइम बहुत ही अमेजिंग सा हो जाता है. आपके बाल जितने भी उलझे थे वो भी सुलझ जाते हैं. नाउ टाइम टू यूज दिस कोम्ब. जितने भी गुत्थियाँ हैं वो सारी बालों की सुलझ जाती हैं. दैट्स हाउ आई टेक केयर ऑफ माई हेयर. एंड
दैट्स व्हेन यू कैन सी द ग्रोथ ऑफ माय हेयर. इससे ज्यादा मैं कुछ करती हूँ तो वन मोर थिंग जो मैं शो करूंगी. द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई डू फॉर माय हेयर एंड फॉर माय स्किन इज दिस कॉड लिवर कैप्सूल्स विच इम्प्रूव्स इम्यूनिटी एंड एट द सेम टाइम बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है. तो इसका मैंने मीशो का जो है मैंने नया भी एक ऑर्डर किया है विच इज़ फ्रॉम अगेन मीशो. ये अमेजोन वगैरह पे थोड़ा कॉस्टली है पर मीशो में काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाता है. सो दिस इज़ अ छोटू सा मीशो हॉल जो मैं शेयर करना चाहती थी एंड ऑल्सो वॉट आई डू फॉर माई ग्रोथ ऑफ द हेयर एंड ऑल्सो फॉर माई हेल्थ ऑफ द स्कैन. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा. गेट रेडी होने वाला था बट आई थॉट मीशो हॉल बहुत दिन हो गए हैं मैंने शेयर नहीं किया है एंड मीशो हॉल शेयर करना ज़रूरी है. नेक्स्ट गेट रेडी आएगा एंड एट द सेम टाइम मिंत्रा हॉल आने वाला है एंड पर्पल हॉल दोनों हॉल आने वाले हैं दिस वीक. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. लाइक शेयर कॉमेंट और पुराने वीडियोज़ भी जरूर देखिएगा. सो दैट विल गिव यू लिटिल हिंट कि मेरा चैनल क्या है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. इस मीशो से मैंने और एक प्रोडक्ट यूज़ किया ऑर्डर किया है रिगार्डिंग माई नेल्स एंड वो है ए ब्यूटिफुल कॉम्बो ऑफ नेल पेंट्स. तो ये जो थे वो सारे कॉम्बो थे. इसका भी प्रोडक्ट लिंक मैं जरूर मैंशन करूँगी. कलर्स आर सो ब्यूटिफुल. मैं फटाफट कलर्स दिखा लूँगी. दिस इज़ अ ब्यूटिफुल न्यूड कलर. ये मेरा फेवरेट है बिकॉज ये कलर का नेल पेंट मुझे कहीं नहीं मिला एंड द क्वालिटी इज़ वेरी गुड. दिस इज द फर्स्ट वन. दिस इज़ द नेक्स्ट वन जो मैंने अभी अपने नेल्स में पहना है जो कि ऑलरेडी चला गया है. बहुत क्यूट पीच कलर का है एंड बहुत जल्दी इट्स काइंड ऑफ अ जेल. तो दिस इज़ वॉट द कलर इज़. एंड जो नेक्स्ट है अगेन मॉव काइंड ऑफ है. बहुत प्यारा है गाइस. बहुत प्यारा सा है हॉल. एक्चुअली सारे प्रोडक्ट्स हॉल के मेरे पर्सनल फेवरेट है. नेक्स्ट इज दिस ब्यूटीफुल न्यूड कलर जो थोड़ा ब्राउनिश आता है बट अगेन वेरी अमेजिंग कलर्स. एंड नेक्स्ट मैंने थोड़ा नेल आर्ट के लिए ये नेल आर्ट का किट ऑर्डर किया है जिसमें आपको आई थिंक फाइव मिल जाएंगे इस तरह से. जो आपको टिप्स आपको यू नो नेल पे डिज़ाइन करने के लिए मिलेंगे. फाइव है पाँच एक्चुअली 10 है क्योंकि यहाँ का जो है वो अलग है और ये अलग है. सो ब्यूटिफुल गुड क्वालिटी एंड ये ओनली 60 रुपीज़ का था. और बाकी जो प्रोडक्ट का जो लिंक और कोड है वो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी. सो डोंट फॉरगेट चेक दैट आउट. ये किट भी मुझे बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव पड़ा था एंड आई एब्सोल्युटली लव यूजिंग दैट. साथ ही मैंने नेल ये करने के लिए एक दिस काइंड ऑफ क्या कहते हैं फ्रेंच मैनिक्योर के लिए दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑर्डर किया था. बहुत इनएक्सपेंसिव था. सो इस तरह से आप नेल को कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मीशो. बहुत ही अफोर्डेबल था. सो दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम मीशो रिगार्डिंग द नेल. सो मीशो का हॉल मैं बना ही रही थी कि मुझे दो प्रोडक्ट याद आया. एक मुझे अभी रिसीव हुआ जो कि मैंने अभी ओपन किया है. तो मैं फटाफट से वो प्रोडक्ट दिखा देती हूँ. कैमरा का एंगल ज़्यादा चेंज कर लूँ. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल ऑर्गेनाइजर ऑफ योर स्किन केयर. मैं आजकल स्पेसिफिकली इट्स बीन लाइक 2 years जब से मैं प्रेगनेंट थी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने अपना स्किन केयर बहुत ही थरोली फॉलो किया है बिकॉज स्किन का एजिंग एंड एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द स्किन केयर जो आप यूज़ करते हो रादर दैन द मेकअप. मेकअप इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग ओकेजनली होता है बट स्किन केयर बहुत ज़रूरी है. जो अभी मैं स्किन केयर ऑर्गेनाइज करती हूँ थोड़ा सा क्लटर है. मैं दिखा देती हूँ कैसे स्किन केयर मैं अभी यूज़ करती हूँ. सो दिस इज वॉट अभी मैं यूज़ करती हूँ. तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा है बट आधे प्रोडक्ट्स बाहर ही है. तो ये एक बाथरूम का होल्डर था जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ बट अगेन मुझे प्रॉपर एक होल्डर चाहिए था बिकॉज मेरे हस्बैंड की भी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स है. तो ये आया है मीशो से. बहुत ही अमेजिंग है. जगह बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे दो ड्रॉर्स हैं टू कीप माई स्क्रंचीज और जो यूज ज्वेलरीज वगैरह यूज़ करके मैं रख देती हूँ टेबल के ऊपर. यहाँ पे रख सकते हैं. ऊपर भी आप प्रोडक्ट लगा सकते रख सकते हैं लाइक टोनर और जो भी है. एंड यहाँ पे तो बहुत सारा जगह है. जो साइड का डायमेंशन कुछ इस तरह से है. बैक इस तरह से है. सामने का इस तरह से है. अगेन अमेजिंग क्वालिटी इसकी बहुत अमेजिंग है गाइज. आई थिंक दिस वॉज फॉर 332 उससे भी कम का मुझे पड़ा है एंड आई रियली रियली लव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट बात करते हैं ये अमेजिंग सा कोस्टर. कैन यू सी दिस केटल के इसमें है. एक गिर गया है जो अभी नीचे है बट द क्वालिटी ऑफ द गुड. ये आई थिंक हो गए 15 दिन. तो क्वालिटी इज अमेजिंग. कोस्टर्स की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है गाइज. जो फर्स्ट वाला कोस्टर है मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ चिया सीड्स वगैरह और या चिया का पानी वगैरह. तो आई रियली लव द क्वालिटी ऑफ द कोस्टर्स. और डाइनिंग टेबल पे ये सुपर क्यूट लगता है एंड दिस वाज ओनली फॉर 200 चेंज. अगेन प्रोडक्ट का जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. तो ये भी इंक्लूडेड इन द मीशो हॉल.